Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So I have decided कि मैं अपने YouTube channel पर एक नया playlist start करूँगा. इस playlist में मैं धीरे धीरे आज की date में जो सबसे famous startups हैं और companies हैं हमारी country में उनको cover करूँगा. और idea ये होगा कि हमें ये discuss करना है कि हर company, जो भी famous companies की हम बात करेंगे, वो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस कैसे यूज़ करती है. ठीक है, और इसीलिए मैं आज का वीडियो शूट कर रहा हूँ. आज के वीडियो का पर्पज़ है ये डिस्कस करना कि स्विगी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस कैसे यूज़ करता है अपने डे टू डे ऑपरेशंस में. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे बस आपके साथ ये डिस्कशन करना है कि मैंने क्यों ये प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है. देर आर थ्री प्राइमरी रीजंस. द फर्स्ट वन इज़ कि आई फील कि कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, स्पेशली अगर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक वाई मिलता है. वाई का मतलब कि आपको ये रीज़न मिलेगा कि मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ वो कहाँ पे काम आ सकता है. और एक बार जब आपको ये वाई मिलता है ना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा और मज़ा आता है और आप थोड़ा और काइंड ऑफ एक्स्ट्रा माइल जर्नी कवर करते हो टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सो द होल आइडिया ऑफ दिस प्लेलिस्ट इज़ टू कनेक्ट इंडस्ट्री टू योर करिकुलम. ठीक है, मैं आपको वो रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि आपने आज जो मॉडल बनाया वो किसी कंपनी को कैसे जा कर के हेल्प कर सकता है. तो बेसिकली आपके अंदर बिजनेस की थोड़ी समझ डालने के लिए ये वाला प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ. रीज़न नंबर टू है कि बहुत लोग मुझे पिंग करते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या बनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा. तो इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको मल्टीपल आइडियाज़ दिखाई देंगे, मिलेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं इन द डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस. ठीक है, अब आज का ही वीडियो ले लो, मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जिनको यूज़ करके स्विगी डेटा साइंस यूज़ करता है. आप इन 10 में से कोई भी एक तरीके को अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो और आप इंटरव्यू में वो दिखा सकते हो. आई एम वेरी श्योर इट विल बी वेरी वेरी रेलिवेंट. ठीक है, क्योंकि स्विगी को अगर कोई चीज़ हेल्प करती है अपना डे टू डे बिजनेस रन करने में, तो फिर उसका एक इम्पॉर्टेंस रहेगा मार्केट में. ठीक है, तो सेकेंड रीज़न इज़ टू गिव यू प्रोजेक्ट आइडियाज़ एंड द थर्ड रीज़न इज़ टू गिव यू दिलासा. सो हो क्या रहा है, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इस तरह का वीडियोस बना रहे हैं कि मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस तो कुछ सालों में ख़त्म होने वाला है, ये सब बस बबल है. तो आई एम श्योर उनकी कुछ रीजनिंग होगी, बट आई डोंट अग्री. आई फील कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. अभी हम बहुत नेसेंट स्टेजेस पे हैं, अभी और हमें बहुत आगे जाना है इसमें. और ये वीडियोज़ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्विगी या फिर ऊबर या फिर फ्लिपकार्ट ये जो कंपनीज़ हैं, ये अपने डे टू डे ऑपरेशंस में जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको भी रन करने के लिए मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है. तो जब आप ये समझोगे, देखोगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यार मशीन लर्निंग इज़ गोइंग टू स्टे, अभी कहीं जाने वाली नहीं है. तो फिर आपको कभी वो डाउट नहीं आएगा कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैं कोई डाइंग टेक्नोलॉजी में तो नहीं आ गया, ऐसा आपको नहीं फील होगा. ठीक है, तो ये तीन मेन रीजंस हैं ये वीडियो बनाने के, ये प्लेलिस्ट बनाने के. अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का वीडियो विल बी टोटली ऑन स्विगी. अगले वीडियो में विल टारगेट सम अदर कंपनी, बट आज हम लोग स्विगी की बात करेंगे. स्विगी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऐप्स, आई यूज़ इट ऑल द टाइम, जब भी खाना वगैरह मंगाना होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट स्विगी. स्विगी आई गेस 2014 या 15 में स्टार्ट हुआ था, बिट्स पिलानी और आईटी खड़गपुर के बंदों ने मिलकर स्टार्ट किया था. इट गॉट फंडेड और फिर बहुत तेज़ी से इन लोगों ने स्केल किया, मल्टीपल सिटीज़ में पहुँच गए. आज की डेट में जितना मुझे पता है कि ये लोग अराउंड 15 लाख 20 लाख ऑर्डर्स डेली बेसिस पे सर्व कर रहे हैं, मतलब इस स्केल पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो स्विगी को अगर आप समझने की कोशिश करो तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्विगी इज़ अ थ्री वे मार्केट प्लेस. तीन एंटिटीज़ हैं स्विगी के लिए. सबसे पहला है कस्टमर जो खाना मंगाएगा, दूसरा है रेस्टोरेंट जो खाना बनाएगा, और तीसरा है डिलीवरी पार्टनर्स जो खाना पहुँचाएगा. ठीक है, इन तीनों को मिल करके ही स्विगी बना है. तो आज हम लोग 10 तरीके देखेंगे, 10 वेज देखेंगे यूजिंग विच स्विगी इज़ यूजिंग मशीन लर्निंग टू हैंडल इट्स डे टू डे ऑपरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यूज़र साइड से थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि यूज़र साइड में थोड़ा ज़्यादा मशीन लर्निंग यूज़ होता है, और फिर मैं आपको रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर के साइड की भी चीज़ें बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो कस्टमर की साइड की बात स्टार्ट करने के पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जो स्विगी ने बहुत इंटेलिजेंटली की, और इन दो चीज़ों को करने के बाद उनके लिए मशीन लर्निंग अप्लाई करना बहुत ईजी हो गया अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे. सो पहली चीज़ है कि उन्होंने इंटरनली एक फूड टैक्सोनॉमी बनाया.
सो फूड टैक्सोनॉमी इज बेसिकली अ ग्राफ जो आपके किसी भी फूड आइटम को काइंड ऑफ अरेंज करता है, ठीक है. सो स्विगी पे लाखों खाने की चीज़ें मिलती हैं. अब हमेशा आइडिया होना चाहिए कि कोई चीज़ कौन से लेवल की चीज़ है. जैसे कि ये चार्ट देखो, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि सबसे टॉप लेवल चीज़ है स्टार्टर्स. स्टार्टर के अंदर एक चीज़ आती है सूप्स एंड सैलड्स, फिर सूप्स एंड सैलड्स के अंदर आता है सूप, और फिर सूप के अंदर आते हैं अलग अलग टाइप ऑफ सूप्स. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी स्विगी के लिए कि वो किसी भी खाने के आइटम को इस पूरे चार्ट में सही जगह पे प्लेस कर पाएं, तभी वो अपना आगे का टास्क सही से कर पाएंगे. सो व्हाट दे डिड, दे इंटरनली क्रिएटेड अ मशीन लर्निंग सिस्टम. उन्होंने इस पूरे प्रॉब्लम को मल्टी लेबल मल्टी क्लासिफिकेशन टास्क की तरह लिया. उन्होंने कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाए और साथ ही साथ कुछ ह्यूरिस्टिक तरीके भी अपनाए इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ईच एंड एवरी फूड आइटम टू इट्स रिस्पेक्टिव लेवल. अगर आप ये ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्विगी ने ये पूरा टास्क कैसे अचीव किया, बट दिस टास्क वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो दूसरी बहुत इंटेलिजेंट चीज़ स्विगी ने की, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे जितनी भी एंटिटीज़ थी, यूज़र्स हुए, डिलीवरी पार्टनर्स हुए, डिशेज हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, इन सबको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया. एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, अगर आपने डीप लर्निंग में थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो शायद आपको पता होगा. एम्बेडिंग इज बेसिकली अ लो लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है. लो लेवल एज इन लो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. सो बेसिकली अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल यूजर्स हैं तो मैं अपने हर यूज़र को अ सेट ऑफ 100 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है. सो ये नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं, यूजिंग अ डीप लर्निंग मॉडल. सो आप क्या करते हो, बेस्ड ऑन किसी भी एंटिटी का अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो हमें अपने सारे डिशेस को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने सारे डिशेस का जितना भी इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम, वो कैसे बनता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका फ़ोटो, वो फूड टैक्सोनॉमी में कहाँ पे आता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को लूँगा और इस इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरल नेटवर्क में डालूंगा. और न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, एक सेट ऑफ 100 या 200 नंबर्स का एक जनरेट करेगा, एक सेट जनरेट करेगा, और वही जो सेट है नंबर्स का वो एक्चुअली हमारे फूड आइटम का काइंड ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन हो गया. उसी को हम एम्बेडिंग बुलाते हैं. ये करने से क्या फ़ायदा है कि आप बहुत ईजिली दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी निकाल सकते हो. कौन से दो यूज़र सबसे सिमिलर है, कौन से दो खाने की चीज़ें सबसे सिमिलर है, कौन से दो रेस्टोरेंट सबसे सिमिलर हैं, ये आप बहुत झट से कर सकते हो. तो ये दो इंटेलिजेंट चीज़ें स्विगी ने की. पहला, उन्होंने एक इंटरनल फूड टैक्सोनॉमी बनाया, अपने पूरे खाने के आइटम्स को अरेंज किया, और सेकेंड, उन्होंने हर चीज़ की एम्बेडिंग जनरेट करके रखी जो उनको आगे बहुत हेल्प की. सो चलो गाइज, अब कस्टमर वाली साइड पे मूव करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइड है, बिकॉज कस्टमर इज द गॉड. तो कस्टमर वाली साइट पे स्विगी ने मल्टीपल तरीकों से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग अप्लाई किया है. मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग अप्लाई करना पड़ा स्विगी को, और वो फीचर है सर्च का फीचर. सो आई गेस आपने स्विगी पे सर्च यूज़ किया होगा. इनफैक्ट सर्च इज़ दैट प्लेस जहाँ से आप डिस्कवर करते हो खाने के आइटम्स या फिर रेस्टोरेंट्स. तो सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्च का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्विगी ने क्या प्रॉब्लम फेस की कि स्विगी पे लोग आकर के खाना सर्च करते हैं, और जो इंडियन डिशेस होते हैं उनका नाम का कोई फिक्स स्पेलिंग नहीं है इंग्लिश में. जैसे बिरयानी का कोई फिक्स स्पेलिंग नहीं है इंग्लिश में. बहुत सारे लोग बिरयानी का स्पेलिंग कुछ और टाइप करेंगे, कुछ लोग कुछ और टाइप करेंगे. सो BIRYANI भी बिरयानी है, BERYANI भी बिरयानी है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बिरयानी, बिरयानी, देवरानी, जेठानी, कुछ भी. तो अब स्विगी का चैलेंज क्या है कि कुछ भी टाइप कर रहा है यूज़र, उसको समझना है कि बिरयानी सर्च किया जा रहा है, उसको बिरयानी रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाने हैं. अब द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर मैच नहीं करेगा, टेक्स्ट मैच नहीं करेगा डेटाबेस में जो स्टोर्ड है उससे, तो कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा. और कोई रिजल्ट अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो इमेजिन करो एक कस्टमर कैसा फील करेगा. वो भूखा है, उसने बिरयानी सर्च किया अपनी ही स्पेलिंग में, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट सम रिजल्ट, और वो रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे तो वो बोलेगा फालतू प्लेटफॉर्म है, लेट्स गो टू Zomato, और वो प्लेटफॉर्म छोड़ के चला जाएगा. तो स्विगी के सामने एक बहुत चैलेंजिंग काम था कि कस्टमर के इंटेंशन के हिसाब से, इंटेंट के हिसाब से उसको समझना था कि क्या सर्च करना है, रादर देन स्ट्रिंग मैचिंग. तो यहाँ पे जो सर्च सिस्टम स्विगी ने इम्प्लीमेंट किया वो बहुत ही रोबस्ट है. उन्होंने 3 स्टेप्स में सारा काम किया. पहला, उनका जो सर्च सिस्टम है वो मिस टाइपिंग हैंडल कर सकता है, ठीक है. दूसरा, जब सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो स्विगी के पास एक अलग मॉडल है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है, जिसका काम है सर्च रिजल्ट्स को रैंक करना, सबसे बढ़िया रिजल्ट को सबसे ऊपर दिखाना. एंड द थर्ड थिंग इज कि कल को अगर सच में कुछ नहीं मिल रहा, लेट्स से बिरयानी सर्च किया
और आपके ज्योग्राफिकल एरिया में बिरयानी नहीं है, तो स्विगी क्या करेगा, कॉन्टेक्चुअल सिमिलैरिटी के बेसिस पे कुछ और डिशेस सजेस्ट करेगा। जैसे अगर आपने बिरयानी सर्च किया तो स्विगी आपको लेट्स से चिकन फ्राइड राइस आंसर में दिखाएगा, सर्च में दिखाएगा, बिकॉज बिरयानी नहीं है तो क्लोजेस्ट क्या मिला, चिकन फ्राइड राइस। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री फीचर्स। सबसे पहला फीचर है मिस टाइपिंग कैसे हैंडल किया। सो स्विगी शुरुआत में फजी टेक्स्ट मैचिंग यूज़ करता था जो कि उतना कारगर नहीं था, तो देन दे स्विच टू वर्ड टू वेक एंड फास्ट टेक्स, जिससे रिजल्ट थोड़े इंप्रूव हुए। और अभी रिसेंटली दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ सियामीज नेटवर्क। ठीक है, सो वॉट दे डू इज जब भी कोई सर्च होता है तो वो सियामीज नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क होता है, उसको यूज़ करके वो लोग एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं। ठीक है, एंड दे यूज़ अ कस्टम ट्राइग्राम टोकनाइजर। ठीक है, ये सेटिंग वो यूज़ करते हैं जिससे उनको सबसे बढ़िया रिजल्ट निकल के आते हैं। तो ये दिस इज द मॉडल दैट दे आर यूजिंग राइट नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रैंक द सर्च रिजल्ट्स। इसके लिए भी स्विगी एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करता है जो चार चीज़ों के बेसिस पे रैंकिंग देता है। सबसे पहले रेलेवेंस, दूसरा रेस्टोरेंट, तीसरा पॉपुलैरिटी और चौथा टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बेसिस पे ही आपके सारे सर्च रिजल्ट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज होते हैं। और थर्ड है कॉन्टेक्चुअल सिमिलैरिटी, जो कि अगेन आपका सियामीज नेटवर्क हैंडल कर लेता है। जो भी है, अगर आप ये ब्लॉग पढ़ोगे तो इस ब्लॉग में ये सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आई वुड रिकमेंड एक बार आप ये ब्लॉग पढ़ो। कस्टमर साइड में एक और एरिया जहाँ पे स्विगी ने बहुत मशीन लर्निंग अप्लाई किया है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। सो स्विगी का प्रॉब्लम समझ सकते हो, स्विगी पे जब भी कोई कस्टमर जाता है ना तो बहुत ही हाई इंटेंट के साथ जाता है कि मुझे अभी जाना है और 15 मिनट में खाना सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देना है। इट्स नॉट लाइक फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जहाँ पे आप दो दो तीन तीन दिन शॉपिंग करने की कोशिश करते हो और फिर प्रोडक्ट को आप सब परचेस करते हो। यहाँ पे बहुत हाई इंटेंट के साथ जाना है और झट से 15 मिनट में सेलेक्ट करके खाना ऑर्डर कर देना। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ एंड आई कैन टेल यू, मैं अगर अभी स्विगी खोलूँ तो कम से कम 1300-1400 रेस्टोरेंट्स मुझे दिखाई देंगे। तो एज अ यूज़र मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है 15 मिनट में ये डिसीजन मेकिंग कर पाना कि कौन सी जगह से मुझे खाना मंगाना चाहिए। तो स्विगी के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है एंड दैट इज़ वाई स्विगी का रिकमेंडर सिस्टम हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड। तो स्विगी ने क्या किया है, स्विगी ने दोनों टाइप का रिकमेंडर सिस्टम यूज़ किया है, आपका कंटेंट बेस्ड भी और आपका कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड भी। सो दे हैव यूज्ड अ हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। सो सबसे पहले तो मैंने अभी तक जो चीज़ें ऑर्डर की हैं मेरे पास्ट ऑर्डर हिस्ट्री से, दे कैन सजेस्ट आइटम्स। लाइक अगर मैं बहुत राजमा चावल खा रहा हूँ तो दे वुड सजेस्ट छोले चावल या समथिंग लाइक दैट विच इज़ वेरी सिमिलर कॉन्टेंट बेस्ड। और सेकंड क्या है कि सारे यूज़र्स का उन्होंने एम्बेडिंग्स बना रखा है, तो जो बहुत सिमिलर यूज़र है, जो बिल्कुल मेरी तरह का कोई और यूज़र है, तो वो अभी क्या खा रहा है वो मुझे रिकमेंड किया जाएगा, तो हो सकता है कि मैं वो पसंद करूं। तो ये सबसे पहले स्विगी ने कर रखा है। सेकंड एक और चीज़ जो उन्होंने की है कि रिकमेंडेशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो उसको रैंक करने का भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि सबसे हाई रैंक पे कौन सा दिखाना है, सबसे उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, ये भी स्विगी ने बना रखा है। और अभी रिसेंटली दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट न्यू वेज टू रिकमेंड फूड। जैसे मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि वो लोग एक इमेज टू रेसिपी सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर एक फूड का फोटो देख करके वो रेसिपी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उनका हाइपोथेसिस ये है कि सिमिलर रेसिपी वाली चीज़ें आपको पसंद आएंगी। अगर दो फूड आइटम्स का रेसिपी सेम है या सिमिलर है और आपको पहला फूड आइटम पसंद है तो आपको दूसरा भी पसंद आएगा। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इन्हांसिंग देयर रिकमेंडर सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग टेक्निक्स सच एज इमेज टू रेसिपी मॉडल्स। सो इमेज टू रेसिपी मॉडल बनाने के लिए उन्होंने एक एनकोडर डीकोडर बनाया है, एक डीप लर्निंग सिस्टम, जहाँ पे जो आपका एनकोडर है इट इज़ अ रेजनेट 50 मॉडल और जो आपका डीकोडर है इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगेन आप इस ब्लॉग में पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट इज टारगेटेड एड्स एंड टारगेटेड डिस्काउंट्स। सो स्विगी के पास इतना डेटा है हमारे बारे में, हमारे फूड हैबिट्स के बारे में, कि व्हाट दे डू इज दे जनरेट टारगेटेड डिस्काउंट्स। सो स्विगी के प्लेटफॉर्म पे डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन द डिश, डिफरेंट डिस्काउंट्स होते हैं। सो दे हैव दिस आइडिया, देयर इज द स्ट्रैटेजी कि दे कैन पुश डिफरेंट डिस्काउंट ऑन डिफरेंट डिशेज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कन्वर्जन होता है
किसी कस्टमर के उस पर्टिकुलर फूड को खरीदने का जो कन्वर्जन होता है उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। दे ऑल्सो डू टारगेटेड एड्स, सो जो आपको एड्स दिखाई देते हैं टीवी पे या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पे स्विगी के, उस एड में क्या खाना दिखाना है यहाँ तक भी स्विगी डिसाइड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, आपके फूड प्रेफरेंसेस। जैसे मैं नॉर्थ इंडियन बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे जो भी एड्स दिखाई देंगे स्विगी के वहाँ पे आई वुड जनरली सी नॉर्थ इंडियन एंड नॉट सम अदर डिश, ठीक है। तो ये भी स्विगी बहुत अच्छे से कर रहा है। नेक्स्ट इज़ कस्टमर सपोर्ट। सो ये भी एक एरिया है जहाँ पे स्विगी ने काफ़ी मशीन लर्निंग अप्लाई किया है, जैसे कि उनका चैटबॉट हो गया। आई गेस हम सभी ने कभी ना कभी स्विगी के चैटबॉट से बात किया होगा, जब भी कुछ गड़बड़ होता है हम हेल्प सेक्शन में जाके स्विगी के चैटबॉट से बात कर सकते हैं। ऑल दो इस पॉइंट पे इट इज़ जस्ट अ रूल बेस्ड चैटबॉट जहाँ पे कुछ इफ एल्स के कंडीशन के बेसिस पे आपको चैटिंग करवाई जाती है, बट जो भी है इस पॉइंट पे काफ़ी डिसेंट है। एंड जितना मैं सुन रहा हूँ ग्रेजुअली दे आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद अ फुल फ्लेजेड एनएलपी बेस्ड वेरी इंटेलिजेंट चैटबॉट, बट इस पॉइंट पे इट इज़ जस्ट रूल बेस्ड। जो सेकेंड कस्टमर सपोर्ट की बात है वो है फ्रॉड डिटेक्शन। सो स्विगी पे बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने स्पेशली मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो आई नो कि इंजीनियरिंग के बच्चे ऐसा करते हैं कि खाना मिल जाने के बावजूद वो कुछ गलत सलत क्वेरी डाल देते हैं कि खाना नहीं मिला या खाना ख़राब था या कुछ भी ऐसा, और दे आस्क फॉर रिफंड। तो स्विगी ने इससे बचने के लिए एक फुल फ्लेज्ड मैकेनिज्म डेवलप किया है। दे हैव डेवलप्ड अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर जिसका नाम है डी फ्रॉड नेट, जिसके बारे में आप इस ब्लॉग में पढ़ सकते हो। डी फ्रॉड नेट इज़ अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर जिसका काम है इस तरह के जो केसेस आते हैं जहाँ पर लोग रिफंड मांग रहे हैं उसको एनालाइज करके ये डिसाइड करना कि रिफंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कितने का होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज़ दे ट्रैक अपने जो भी यूज़र है उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड डेटा, ऑल्सो दे ट्रैक डिलीवरी एजेंट्स का बैकग्राउंड डेटा, रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड डेटा, और जो भी रियल टाइम में जो भी चीज़ें जनरेट हुई जैसे कि डिलीवरी टाइम कितना था, वेदर कंडीशंस कैसे थे, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करके वो मॉडल क्या करता है, दे गिव यू अ नंबर कि इतना रिफंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चार पांच चीज़ें मैंने आपको बताई जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी जहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई किया है स्विगी ने। अब हम लोग मूव करते हैं रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने की कोशिश करेंगे कि रेस्टोरेंट की तरफ से क्या क्या तरीके से मशीन लर्निंग अप्लाई होता है। रेस्टोरेंट के साइड से मैं आपको दो पॉइंट्स बता सकता हूँ जहाँ पे मशीन लर्निंग अप्लाई हुआ है। फर्स्ट इज़ डिमांड फॉरकास्टिंग। सो लेट्स से इफ़ आई एम अ रेस्टोरेंट, तो मुझे लेट्स से मैं कुछ डिशेस बेचता हूँ, लेट्स से मैं चिकन बिरयानी बेचता हूँ, तो आई शुड हैव एन आइडिया कि मेरे पास कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, और मैं उसी हिसाब से अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करूँगा, उतना ही सामान मंगाऊंगा, उतने ही लोगों को काम पे रखूँगा। सो स्विगी मुझे क्या करता है, बेस्ड ऑन पास डेटा और सिमिलर रेस्टोरेंट का डेटा वो मुझे हमेशा गाइड करेगा कि कितना डिमांड रह सकता है, लेट्स से अगले थर्सडे को कितने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स पड़ सकते हैं, दे कैन गिव मी अ टेंटेटिव नंबर। सो ये पूरी चीज़ टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग के बेसिस पे होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रेस्टोरेंट को बहुत हेल्प करती है इन्वेंट्री को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए। जो सेकंड चीज़ है वो है जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है, कॉम्बोज जनरेट करना। सो आपने नोटिस किया होगा अगर आप किसी रेस्टोरेंट के पेज पे जाओ स्विगी के ऊपर तो वहाँ पे आपको कुछ कॉम्बोज मिलते हैं, तो ये कॉम्बोज एक्चुअली रेस्टोरेंट भी खुद से बना सकता है और कई बार स्विगी आपको सजेस्ट करता है, रेस्टोरेंट को सजेस्ट करता है कि आप इन दो चीज़ों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाओ। और ये चीज़ अचीव करने के लिए स्विगी ने एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर रेडी किया है, इट इज़ एन अटेंशन बेस्ड डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, इसका नाम है फूड नेट। और फूड नेट का काम है कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के मेन्यू में से दो दो आइटम के कॉम्बिनेशन में कॉम्बोज जनरेट करना। और ये पूरी चीज़ काम कैसे करती है, बहुत सिंपल है। ये पूरा मॉडल ट्रेन हुआ है आज तक जितने भी यूज़र कार्ट्स रहे हैं, मतलब हम एज अ यूज़र क्या करते हैं, हम अपने खाने के आइटम्स को कार्ट में ऐड करते हैं जो भी हमें खाना है और फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो स्विगी ने क्या किया कि जितने भी आज तक कार्ट्स फॉर्म हुए हैं उन सब के ऊपर एक डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने कॉम्बिनेशंस जनरेट किए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग में करते थे, बिल्कुल वैसे ही, बट थोड़ा बेटर बिकॉज यहाँ पे डीप लर्निंग यूज़ हो रहा है। तो ये दो टेक्निक्स जो रेस्टोरेंट को बहुत हेल्प करते हैं ये मैंने आपको भी बताया यूजिंग मशीन लर्निंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट एंड लेट्स सी कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्विगी ने कैसे मशीन लर्निंग अप्लाई किया है।
डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से भी आई कैन गिव यू टू एग्जाम्पल्स जहाँ पे स्विगी ने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग यूज़ किया है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बैचिंग ऑर्डर्स. सो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खाना मंगाया और स्विगी के ऐप में आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपका जो डिलीवरी एजेंट है वो अभी किसी और का ऑर्डर डिलीवर कर रहा है और उसका ऑर्डर डिलीवर करके फिर आपका खाना लेके आएगा. सो स्विगी ऐसा करता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. व्हाट दे डू इज एक ही एरिया में अगर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं तो रादर देन तीन अलग अलग डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को वो ऑर्डर प्रोवाइड करने के, वो एक ही बंदे को तीनों ऑर्डर्स दे देते हैं क्योंकि सारे के सारे डेस्टिनेशंस रास्ते में हैं, तो वो एक जगह पहुंचाएगा, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह. ठीक है, तो ये करने के लिए स्विगी ने इंटरनली री इन्फोर्समेंट लर्निंग यूज़ किया है. इनफैक्ट देर इज़ अ सब फील्ड ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग जिसको कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है. उन्होंने ये यूज़ किया है और इसको यूज़ करके दे हैव ऑप्टिमाइज्ड दिस एंटायर प्रोसेस कि अगर आसपास की चीज़ों में डिलीवर करना है तो एक ही बंदा सारा काम कर दे. सेकेंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट यूज़ केस है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर मशीन लर्निंग का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. सो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि स्विगी आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है अगर बारिश हो रही होती है, कि बारिश हो रही है तो हम 25 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे डिलीवरी फ़ी पे, या फिर कोई अगर रेस्टोरेंट थोड़ा दूर है तो वो एक डिस्टेंस फ़ी अप्लाई हो जाता है 20-25 रुपये, और हम बोलते हैं क्या यार पैसे लूट रहे हैं बस. बट एक्चुअली वो जो पैसे लूट रहे हैं हम बोलते हैं ना, वो पैसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. स्विगी वो एक्चुअली उस पैसे को यूज़ करके पूरा का पूरा जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको फुलफिल करता है. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो होता क्या है कि मान लो सबसे पहले तो स्विगी ने क्या कर रखा है कि स्विगी ने जोन्स डिवाइड कर रखे हैं, मतलब क्रिएट कर रखे हैं हर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के. जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर हो गया वो एक जोन है, कोई दूसरा सेक्टर दूसरा जोन है, और फिर 3-4 जोन्स को मिला करके एक सुपर जोन बनता है. तो फंडा ये रहता है कि जनरली जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास एक जोन होता है और वो अपने ही जोन में काम करता है, बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस में वो एक दूसरे जोन में जाके भी काम कर सकता है जो उसी सुपर जोन के अंदर आता है. ठीक है, सो कभी कभी क्या हो सकता है, मान लो एक पर्टिकुलर जोन में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की कमी हो गई, उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है. मान लो कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस होने लग गए, लेट्स से न्यू ईयर चल रहा है और सडनली से ऑफिस का एरिया और वहाँ पे खूब सारी पार्टीज होने लगी और खूब सारे लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिया. तो उस एरिया में जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स थे उन सभी को ऑर्डर्स मिल गया और वो अपना ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं. तो इस पॉइंट पे कोई खाली डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नहीं है. ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो फिर कोई डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नहीं होगा तो डिलीवर कौन करेगा. तो नाउ स्विगी को क्या करना है कि ये जो जोन जहाँ पे अभी खाली हो गए हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पे और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को बुलाना है. तो व्हाट दे डू इज आसपास के जोन वाले जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको दिखाया जाता है कि आप अगर इस पर्टिकुलर जोन में मूव करोगे तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे डिलीवरी पे या 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो ये एक इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम बनाया उन्होंने, और ये इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम की वजह से क्या होता है कि जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होती है, आपके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स उस तरफ मूव करने लग जाते हैं और फिर डिमांड सप्लाई का गैप कम हो जाता है. जैसे ही वो कम हो जाएगा फिर से वो फी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि स्विगी हमें लूट नहीं रहा है, इट्स जस्ट अ वे टू मैनेज द डिमांड सप्लाई गैप. जहाँ भी डिमांड बढ़ गया है सप्लाई घट गई है तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं वहाँ के कस्टमर्स से, सो दैट आसपास वाले जोन वाले डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को वो पैसों का लालच दे के बुला पाएं, और जैसे सभी लोग आते हैं तो डिमांड सप्लाई गैप रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो ये दो बहुत इंटेलिजेंट यूज़ केसेस हैं जो मैंने आपको बताए, एंड दीज आर रिलेटेड टू डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स. सो गाइज, ये कुछ 8-10 चीज़ें मैंने आपको बताई जहाँ पे स्विगी ने मशीन लर्निंग यूज़ करके अपना काम आसान किया. अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मुझे कैसा लगता है फ्यूचर क्या है स्विगी में मशीन लर्निंग का. सो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग और ज़्यादा यूज़ करेगा स्विगी, और जितना मैंने नोटिस किया है दो चीज़ों पे वो लोग अभी बहुत फोकस कर रहे हैं. वन इज़ कंप्यूटर विजन एंड सेकेंड इज़ डीप लर्निंग. इन दोनों फील्ड्स के ऊपर बहुत काम चल रहा है. ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड कि पहले वो ऐसे डेटा साइंटिस्ट लोगों को हायर करते थे जिनका कोडिंग स्किल बहुत अच्छा था और वो लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करना जानते थे, बिकॉज उस टाइम पे उनको सिंपल सॉल्यूशंस चाहिए थे. स्विगी छोटी कंपनी थी, सिंपल सॉल्यूशन वो लोग इंप्लीमेंट करके अपना काम निकाल पा रहे थे. बट अब सिंस इंडिया के लेवल पे वो काम कर रहे हैं तो उनको थोड़े कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस चाहिए, और इसीलिए आज की डेट में उनका जो हायरिंग हो रहा है ना वो बहुत रिसर्च लेवल के डेटा साइंटिस्ट लोगों को वो लोग हायर कर रहे हैं. ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिन्होंने PhD कर रखा है या MTech कर रखा है. तो अगर आपको स्विगी में घुसना है तो थोड़ा सा आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू शो कि आप रिसर्च लेवल पे काम कर पाओगे. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. जाते जाते बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
पहली बार इस तरह का वीडियो बनाया है, तो पहले तो मुझे फीडबैक में बताओ कि कैसा लगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आपका फीडबैक अच्छा आएगा, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसको डंप कर देंगे। और अगर आपको सच में पसंद आया ये सीरीज़ तो मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट आप कौन सी कंपनी का केस स्टडी देखना चाहते हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।